मैं डॉक्टर यामिनी भूषण त्रिपाठी, संकाय प्रमुख आयुर्वेद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। मैं ये आज के आप लोगों के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि जो खान पान में हम लोग जो किचन स्पाइसेस हैं, जो हरी सब्जियां हैं, जो अन्न हैं, उनका जो मेडिसिनल वैल्यू है उसको बता के खाद्य पदार्थ को कैसे बनाएं कि आदमी स्वस्थ रहने के लिए उन चीज़ों को बनाए और रोज़ खाए। सब लोग जानते हैं कि ये मसाला है, लेकिन उस मसाले का औषधीय गुण क्या है ये लोग नहीं जानते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये वर्कशॉप 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 7 दिन का इसको आयोजित किया है। हम चाहते हैं कि घर की गृहिणियाँ, होटल्स के मालिक, ये लोग इसमें आवें, इसको सीखें और उनके द्वारा ये पूरे समाज को ये परोसा जाए, तब जाके हमारा समाज स्वस्थ रह सकता है। और इस बार आयुर्वेद दिवस चूँकि पब्लिक हेल्थ पे है तो ये बड़ा समयाचीन हम लोग का ये था, क्योंकि भाषण देना, जागरूक करना एक बात है और आपको सिखाना, वर्कशॉप करना दूसरी बात है। हम लोगों ने इस बार निर्णय किया है कि हम लोग वर्कशॉप भी करेंगे और आपको सिखाएंगे। कितने तारीख और कितने दिनों का? ये 10 दिसंबर को शुरू होगा और 15 दिसंबर तक चलेगा, 7 दिन तक पूरा। जो प्रतिभागी हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू रखा गया है, क्योंकि उसमें जो खर्च आएगा उसको हम लोग को वहन करना है, जो कि दवाइयाँ खरीदी जाएंगी, खाना बनवाया जाएगा, उसके लिए बहुत से एक्सपर्ट्स भी आएंगे बाहर से, जैसे कि आपने जो कहता ना फूड वाला जो चैनल है, उस तरह के लोग जो हैं उनको भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि खाना स्वादिष्ट नहीं होगा मेडिसिनल प्लांट के साथ तो कोई खाएगा नहीं। इस पे बहुत ध्यान दिया गया है। खान पान में जंक फूड लोगों के लिए जंक फूड के तो बारे में बता रहे हैं, बताइए कि जंक फूड क्या है, कैसे ये जंक फूड हो जाता है, वही बर्गर जो है कैसे स्वादिष्ट होगा, उससे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और कैसे जंक हो जाता है, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। दूसरा है कि 5 तारीख को जो आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, इस पर हम लोग आप लोगों को सभी को उसमें ये अवेयर कराएंगे कि कैसे हम लोग रहें, क्या सोचें, क्योंकि अब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो है बहुत बढ़ रहे हैं। 30% लोग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रोग ग्रसित हो रहे हैं, तो उनके लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं हम लोग। इस बार किसमें ये कल वाले प्रोग्राम जो अब जो 5 तारीख हो रहा है, हम लोग करीब 300 लोगों को उम्मीद कर रहे हैं, और जो उस दिन होगा वो तो अब देखिए कितने लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं।